अस्सलाम वालेकुम हैश 96 डू पेज नंबर 132 बुक वर्क एक्सप्लेन पेज नंबर 133 टिल 135 पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 2 बुक वर्क इसी के होमवर्क में है पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 3 बुक वर्क और प्रैक्टिस जा रही है पेज नंबर 130 से लेकर 132 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बुक में पेज नंबर 132 पे। अब यहाँ देखें, लुक एट द मैप, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू द पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ क्या है, सेंट्रल रोड और गाजी रोड। सेंट्रल रोड जो है वो 550 मीटर पे है और गाजी रोड जो है वो 440 मीटर पे है। ठीक है, ये है गाजी रोड और ये है सेंट्रल रोड। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हम प्लस करना है और टोटल डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर क्या आया, 1000 मीटर डिस्टेंस आया। कितना मीटर डिस्टेंस आया, 1000 मीटर। वी हैव अ स्पेशल वर्ड फॉर 1000 मीटर्स। अब हमारे पास 1000 मीटर्स के लिए एक स्पेशल वर्ड है, दैट वर्ड इज़ किलोमीटर। वो कौन सा वर्ड है, किलोमीटर और KM। हम किलोमीटर भी बोल सकते हैं और KM भी बोल सकते हैं, इसका शॉर्ट क्या है, KM। किलो मीन्स 1000, सो किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स। किलो मीन्स क्या है, 1000। किलो मीन्स क्या है, 1000। तो किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स। 1000 मीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर किसके इक्वल हुआ, 1000 मीटर के। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स पे। यहाँ पर लिखें, ए में दिया हुआ है 1100 मीटर। क्या दिया हुआ है, 1100 मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर प्लस 100 मीटर। 1000 मीटर प्लस 100 मीटर, ये किसके इक्वल हुआ, 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1000 मीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। अब आ जाते हैं बी वाली एग्जांपल पे, बी वाले क्वेश्चन पे, 1300 मीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1000 मीटर प्लस 300 मीटर। इसमें से 1300 में से 1000 जो है मीटर अलग लिखेंगे और 300 मीटर हम अलग लिखेंगे। 1300 मीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर प्लस 300 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर प्लस 300 मीटर। हमें ये बताना है, हमें इसे तोड़ तोड़ कर भी बताना है और एक साथ करके भी बताना है कि ये एक जो वैल्यू है वो किस तरह इक्वल हो सकती है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दोनों हमें खुद लिखने हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1000 मीटर प्लस 260 मीटर। 1000 मीटर प्लस 260 मीटर। अब 1000 मीटर प्लस 260 मीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1260, मतलब 1260 मीटर के। और 1 किलोमीटर प्लस 260 मीटर। आ रही बात समझ में, ये काम हमें बुक में ही करना है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 133 पे, ये काम भी हमें बुक में करना है। लेट अस कंपेयर, हमें कंपेयर करना है, वन डॉल वेट द सेम एज टू बैटरीज। ये एक डॉल जो है वो किसके इक्वल है, किससे सेम है, टू बैटरीज के सेम है। जो एक डॉल है, एक गुड़िया जो है वो किसके इक्वल है, किससे सेम है, टू बैटरीज से सेम है। अब यहाँ क्या है, टू अनियंस वेट द सेम एज डैश मार्बल्स। यहाँ पर जो दो अनियन है वो किसके इक्वल है, फोर मार्बल्स के। किसके इक्वल है, फोर मार्बल्स। यहाँ कितनी मार्बल्स बनी हुई है, 1 2 3 4, तो किसके इक्वल हुआ, फोर मार्बल्स के। यहाँ क्या लिखेंगे हम, फोर। द टॉय कार वेट द सेम एज डैश लार्ज स्क्रूज। जो टॉय कार है वो किसके, कितने स्क्रू के इक्वल है, जब टॉय कार है वो कितने स्क्रू के इक्वल है, फोर लार्ज स्क्रू के। किसके इक्वल है, फोर लार्ज स्क्रू के। यहाँ कितने स्क्रू बने हुए हैं, 1 2 3 4। आ रही बात समझ में, ये काम भी हमें
बुक में ही करना है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 34 पे, 134 पे। डू यू रिमेम्बर किलोग्राम्स, लुक एट दिस 1 किलोग्राम वेट। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 किलोग्राम का वेट नज़र आ रहा है आप लोगों को। वी ऑफन सी इट वैन वी गो शॉपिंग। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम ये किलोग्राम का वेट जो है वो हम देखते हैं। हम जब देख जाते हैं वेजिटेबल्स को परचेज करने, हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे वहाँ पर 1 किलोग्राम का, 1/2 किलोग्राम का जो है वो वेट पड़े हुए होते हैं। हेयर द 1 किलोग्राम वेट इज़ द सेम वेट एज द पोटेटोज। अब यहाँ पर क्या है, एक साइड पे पोटेटोज़ हैं और एक साइड पे 1 किलोग्राम का वेट पड़ा हुआ है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। टर्न बैक टू पेज नंबर 132, जहाँ पर हमें क्या पढ़ा था, वी लर्न देयर दैट, हमने वहाँ क्या पढ़ा था, किलो मीन्स 1000। किलो मीन्स क्या था, 1000। 1 किलोमीटर जो है वो किससे इक्वल है, 1000 मीटर्स के। 1 किलोमीटर किससे इक्वल है, 1000 मीटर्स के। सो 1 किलोग्राम जो है वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम्स के। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है और 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। ये आपको इक्वेशन जो है वो याद करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है और 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। 1 ग्राम इज़ अ मच मच लाइटर वेट देन 1 kg। 1 किलोग्राम जो है वो 1 kg से कम वेट का होता है। 1 किलोग्राम जो है वो 1 kg से कम वेट का होता है। वी यूज़ ग्राम्स व्हेन वी वांट टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट और स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। हम किलोग्राम जो है, हम जो है वो ग्राम्स कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई लाइट ऑब्जेक्ट या कोई स्मॉल अमाउंट चीज़ जो है वो हमें वेट करनी होती है। ठीक है, होल्ड डिफरेंट वेट इन योर हैंड एंड फील द वेट। अब हमें क्या करना है, हमें अपने घर में, अब घर में क्या करेंगे, अपने हाथ में कोई भी डिफरेंट थिंग्स जो है वो डिफरेंट कोई भी चीज़ अपने हाथ में पकड़ेंगे और उसमें आप डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी चीज़ में कितना वेट है। देन होल्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर हैंड्स एंड गैस देयर वेट। हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने अपने हाथ में पकड़ने हैं और हमें इसका वेट जो है वो गैस करना है। अब यहाँ पर भी देखें, दो स्टूडेंट्स हैं, एक गर्ल है एक बॉय है। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक बॉटल पकड़ी हुई है, एक क्यूब पकड़ा हुआ है, एक ने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक ने जो पकड़ा हुआ है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कितना है। आ रही बात समझ में, इसका हाफ पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में होगा। अस्सलाम वालेकुम। #96 का जो हाफ पार्ट है, पेज 136 पे क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं हम। वुड यू यूज़ अ किलोग्राम और अ ग्राम वेट टू वेट दीज। गैस द वेट इन ईच केस एंड डिस्कस विथ योर टीचर। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो लिखा हुआ है आप पेंसिल। अब हमें ये बताना है कि ये ग्राम है या किलोग्राम है। ग्राम क्या होता है, किलोग्राम से कम होता है और किलोग्राम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आप पेंसिल क्या होती है, उसका वेट जो है वो कम होता है, छोटी चीज़ है, वो छोटा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो ग्राम से हम वेट करेंगे। हॉर्स क्या करेंगे, हॉर्स जो है वो बिग थिंग है। ठीक है, बिग एनिमल है जो हम किलोग्राम में इसको वेट करेंगे। राइस फॉर अ फैमिली फॉर 1 मंथ, अपनी फैमिली के लिए राइस 1 मंथ के लिए हम किस में वेट करेंगे, किलोग्राम में। क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा राइस चाहिए होंगे 1 मंथ के लिए। अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट्स के पैकेट जो है वो हमें, हम ग्राम में वेट करेंगे। अ डेस्क, अब डेस्क का क्या है, वो अलग डिफरेंट डेस्क, जैसे कि अलग जो ऑफिस वगैरह में बड़े डेस्क होते हैं, स्कूल वगैरह में छोटे डेस्क होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से डेस्क की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बिग बड़े डेस्क की बात कर रहे हैं तो हम उसे किलोग्राम में वेट करेंगे। एंड एलिफेंट भी हम किलोग्राम में वेट करेंगे, क्योंकि वो भी एक बिग उसमें आ जाती है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी डिपेंड करता है कि ग्रेप्स का बंच जो है वो कितना बिग है और कितना स्मॉल है, लेकिन हम सपोज करते हैं बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वो भी हम किलोग्राम में वेट करेंगे। अब बास्केट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की बास्केट भी हम किलोग्राम में वेट करेंगे।
अमैन वो भी हम किलोग्राम में वेट करेंगे, और अब बटरफ्लाई वो हम ग्राम में वेट करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हैश 96 का पेज नंबर 135 जो है वो आपको बुक में करना है। इसका क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टॉय ऑन द स्केल, राइट इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड इन द बबल्स। अब यहाँ पर हमें जो है वो टॉयज दिए हुए हैं, उसका वेट जो है वो हमें लिखना है फाइंड करके कि इसका वेट कितना होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 1 kg जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 के 4 parts, 1/4 के 4 parts। अब किस तरह मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखें एक सर्कल है, उसके 4 parts किए हुए हैं। कितने पार्ट किए हुए हैं, 4। ईच पार्ट, एक पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 के। एक पार्ट किसके इक्वल है, 1/4 के। तो इसी तरह 1/4 के अगर 4 parts होंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 kg के। किसके इक्वल होगा, 1 kg के। इसी तरह एक सर्कल के हमने 2 parts किए हैं, जो जिसमें से एक पार्ट जो है 1/2 के इक्वल है और दूसरा पार्ट भी 1/2 के इक्वल है। तो 1/2 हाफ एंड हाफ जो है वो किसके इक्वल हुआ, 1 kg के। हाफ हाफ, एक पार्ट को हम 1/2, एक हाफ पार्ट को हम 1/2 से मेंशन करेंगे और एक हाफ पार्ट को हम 1/2 से मेंशन करेंगे। तो हाफ हाफ 1 kg। और यहाँ पर हमने 1 kg को 4 parts में अगर डिवाइड किया है, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो 1/4 से हम मेजर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बुक वर्क पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 kg और किलोग्राम्स, 1 kg और किलोग्राम बैलेंसेस 4 quarter kilos। 1 kg को किलोग्राम में बैलेंस किया है, क्वार्टर के किलोग्राम्स में। ठीक है, इसी तरह अब बी है, 1/4 मीन्स हाफ। 2 1/4 आए हैं यहाँ पर, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1/4 है, इसका मतलब हाफ पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ पार्ट। 2 1/4 है, इसका मतलब हाफ पार्ट। तो ये क्या हो गया, हाफ, 1/2 हो गया। और 1 kg एंड 1 kg, 2 kg, तो हम इसका वेट क्या लिखेंगे, आई वेट 2 kg एंड हाफ किलो। 2 kg एंड हाफ किलो का वेट है इसका। इसी तरह अब यहाँ पर है 1/2 1/4 एंड 1 kg 1 kg एंड 1 kg। 1 kg 1 kg 1 kg हो गया 3 kg, और ये हाफ, 1/2 मीन्स हाफ, और 1/4 मीन्स एक सर्कल का चौथाई हिस्सा। ठीक है, एक सर्कल में 4 हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्सा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3 kg एंड 3/4, टोटल 3 हिस्से हो गए। 1/2 का हाफ ये हो गया 2 हिस्से, और 1/4 का एक हिस्सा। तो ये कितने हिस्से हो गए, यहाँ पर 3 हिस्से हो गए, 3 parts हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 kg एंड 3/4 kg, 3 kg एंड 3/4 kg। इसी तरह आप यहाँ पर आते हैं, 1/4 1/2 1/2 2 kg एंड 2 kg। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे कि हैंड का जो वेट है वो कितने किलो का वेट है। ठीक है, तो ये 1/4 मतलब एक हिस्सा, 1/2 मतलब हाफ हिस्सा, 1/2 मतलब हाफ हिस्सा। तो हाफ हाफ क्या हो गया, 1 kg। हाफ एंड हाफ क्या हो गया, 1 kg। पता था कि हाफ, एक सर्कल के अगर हम 2 parts करते हैं तो वो 1/2 1/2 कहलाते हैं। तो इस 1/2 1/2 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 1 kg हो जाएगा। तो इसका 2 kg 2 kg 4 kg, 1/2 1/2 मतलब 1 kg। तो 4 kg एंड 1 kg प्लस 5 kg, और 1/4 का 1/4 ही आएगा। तो इसका मतलब 5 kg, 5 whole 1/4 kg। आई वेट 5 whole 1/4 kg। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कैट पे, कि कैट का जो वेट है वो कितना है, 1 kg 1/4 1 kg and 1/2 and 1/2। अब यहाँ पर भी क्या आ गया, 1/2 and 1/2 मतलब 1 kg, और इसका 1 kg, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 kg हो जाएगा, और 1/4 का 1/4 ही आ जाएगा, क्योंकि एक पार्ट का हम 1/4 ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 2 kg एंड 2 whole and 1/4, आई वेट 2 whole and 1/4 kg।
ये काम हमें बुक में ही करना है।